इस तरह से इसका स्प्रे निकलता है वगैरह। अभी जो बाहर निकला स्प्रे, आपको मालूम है क्या है ये? ये केरोसिन है, इसके अंदर केरोसिन की बदबू निकाली गई है और उसमें फ्रेगनेंस डाला है और पेस्टिसाइड भी डाला है और इसको प्रेशराइज किया है एलपीजी से। मतलब ये जो निकल रहा है बाहर, ये जो निकल रहा है, ये एलपीजी और केरोसिन का मिक्सचर निकल रहा है। और ये जो क्लाउड है, ये हमारे घर में इस तरह से ये फैलता है और भगवान के सामने अगर दिया जल रहा है, किचन में अगर खाना पक रहा है एलपीजी इसके ऊपर और उसके कॉन्टैक्ट में चला गया तो फ्लैश बैक हो जाएगा और अंगार लग जाएगा। मतलब आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कैसे अंगार लगा। बच्चा घर में यूज़ कर रहा है, बच्चा हो गया क्योंकि या घर में कोई लेडीज यूज़ कर रही है और ब्लास्ट हो गया, मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो अभी आप देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा आपको कैसा क्या है, क्या कितना डेंजरस है। अपने घर में अगर लग गया तो ये तो मैंने सिर्फ आपको अंदर दिखाया, ये जो फैलता है तो उसका ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट हो गया तो फिर आदमी के कपड़े जल गए तो खत्म। आपको मालूम है एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ब्लास्ट हो जाएगा, तो इतना डेंजर चीज है। तो ऐसे ऐसे आजकल इक्विपमेंट बन रहे हैं जिसके साथ लगती है। तो ये छोटा डेमो था, इसको वापरने से पहले आपको ये देखना है कि घर में कोई ओपन से भगवान के सामने कोई दिया वगैरह है उसको पूजा दीजिए। लाइट चलेगा? हाँ लाइट चलेगा, लाइट कहते हैं ओपन फ्लेम कैंडल वगैरह। घर में अगर एलपीजी वगैरह जो खाना पक रहा है उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, लेडीज जनरली किचन में खाना पक रहा है, लेडीज आती है वगैरह दिखा ऐसे ऐसे मारना शुरू कर देती है और अंदर लग जाता है। एडवर्टाइज भी ऐसे ही है। आइए एक मिनट जरा बैठिए।